नमस्कार दोस्तों, रामायण में लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम की सेना द्वारा समुद्र पर राम सेतु बनाने की कथा बहुत ही दिलचस्प है। भारत और श्रीलंका के बीच आज तो ऐसा कोई पुल नहीं है, लेकिन मैप पर जो एक महीन सी रेखा दोनों देशों को जोड़ती दिखती है, माना जाता है कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। भारतीय जनमानस में ये राम सेतु एक फैसिनेशन रहा है और इसके साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। राम सेतु एक बड़ी बहस का हिस्सा भी रहा है, जहां तथ्यों के आधार पर एक पक्ष राम सेतु को प्राकृतिक निर्माण बताता है तो वहीं दूसरा पक्ष प्रभु श्री राम का बनाया हुआ मानता है। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु इसी माइथोलॉजिकल पुल को केंद्र में रखकर बनी हुई है। राम सेतु के ट्रेलर ने जनता में अच्छा माहौल बनाया था और अब फिल्म भी थिएटर्स में पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं राम सेतु की कहानी के बारे में। राम सेतु की कहानी अफगानिस्तान से शुरू होती है, जहां तालिबान के हमले में बामियान के बुद्ध की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इंडिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन अपनी टीम के साथ इस ऐतिहासिक साइट को रिस्टोर करने पहुंचे हैं और इस पूरे सीक्वेंस से फिल्म ये बैकग्राउंड सेट करती है कि आर्यन नास्तिक है। धर्म में वह यकीन नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृति के अवशेषों से उन्हें प्रेम है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वो पूरी तरह तथ्य को मानते हैं, ना कि धर्म को। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है साउथ के आइकॉनिक एक्टर नासर की, जो फिल्म में बिजनेसमैन इंद्रजीत के रोल में है और उनकी कंपनी पुष्पक शिपिंग ने भारत सरकार को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से राम सेतु को नुकसान होगा और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सरकार डॉक्टर आर्यन की रिपोर्ट के सहारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। पहले से मौजूद फैक्ट्स और स्टडी के आधार पर डॉक्टर आर्यन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राम सेतु एक प्राकृतिक निर्माण है। अब इस रिपोर्ट से जनता की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचती है, जिसका असर आर्यन का परिवार भी झेलता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इंद्रजीत चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट दोबारा पंगे में ना फंसे और पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट से प्रूव किया जाए कि राम सेतु प्राकृतिक निर्माण है या मानव निर्मित। इसलिए वो सस्पेंड हो चुके डॉक्टर आर्यन को सारी सुविधाएं देकर राम सेतु का सच खोजने भेज देते। लेकिन अगर राम सेतु का सच इंद्रजीत की उम्मीद से अलग निकला तो क्या होगा? डॉक्टर आर्यन, जो कि नास्तिक है, जब उन्हें फैक्ट्स और सबूत मिलेंगे राम सेतु के, तो क्या वो उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं? इसका जवाब आपको राम सेतु देखकर ही मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा। राम सेतु की कहानी शुरू तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है और पहले 45 मिनट में ही आपको स्क्रीन पर समुद्र की गहराई में एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे फिल्म में भगवान राम की सेना के बनाए राम सेतु का अवशेष बताया गया है। हालांकि सेकेंड हाफ में फिल्म बहुत कंफ्यूज सी लगी और इसकी कहानी बिखरने लगती। फिल्म राम सेतु की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से अप्रोच करती है जो कि नास्तिक है और धार्मिक महाकाव्यों से केवल लिटरेचर मानता है, यानी कि उन्हीं चीजों पर वो यकीन करता है जिनके उसके पास प्रमाण हो। आपको बता दूं कि डॉक्टर आर्यन, जो कि एक नास्तिक है, उसका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्यन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास होता है और वो है तथ्य, यानी कि फैक्ट, और इन्हीं फैक्ट्स के लिए वो एक राम सेतु के सैंपल जुटाने और एनालिसिस के आधार पर उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए अभियान पर निकलता है। हालांकि सेकेंड हाफ में उसके मिशन का लक्ष्य कंफ्यूज करने वाला लगने लगता है और डॉक्टर आर्यन का ये एडवेंचर अपनी चमक खो देता है। एंड तक आते आते अक्षय का किरदार खुद फैक्ट्स को साइड में रखकर डायलॉग बाजी पर ज्यादा भरोसा दिखाने लगता है और फिल्म का मजा फीका हो जाता है। कोर्ट रूम ड्रामा वैसे भी बॉलीवुड का बहुत मजबूत पक्ष नहीं रहा है और राम सेतु भी अपने क्लाइमैक्स में कोर्ट में जाकर ही फंस जाती है और खींची हुई लगने लगती है। कहानी में एपी का कैरेक्टर फैंटेसी एलिमेंट के साथ है, जिसका राज फिल्म खत्म होने के बाद खुलता है। हालांकि इसे पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिल्म का वीएफएक्स भी इसका कमजोर पक्ष है। अंडर वाटर सीन फिर भी ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वगैरह वाले सीन में इफेक्ट्स कमजोर है। फिल्म का ट्रीटमेंट सीरियस है और अक्षय कुमार भी इसी मूड में पूरी फिल्म में आपको दिखाई देंगे। उनके ट्रेडमार्क वन लाइनर जोक्स नहीं है, जो असल में फिल्म के कंटेंट के लिए अच्छा है। जैकलीन और नुसरत के रोल बहुत हल्के लिखे गए हैं और उस हिसाब से दोनों अपने रोल के हिसाब से ठीक है। नासर और प्रवेश राणा ने भी अपने कैरेक्टर्स में ठीक काम किया है। आपको बता दूं कि इसके डायरेक्टर अभिषेक शर्मा है और अभिषेक शर्मा का डायरेक्शन कहानी को कंफ्यूज होने से नहीं बचा पाया है। राम सेतु का सच खोजने का एडवेंचर बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल रिटोरिक में बदल जाता है। फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ बहुत स्लो है और फिल्म का क्लाइमैक्स भी थोड़ा ठंडा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राम सेतु एक दिलचस्प टॉपिक
की तरह उठती तो है, लेकिन उसे एडवेंचर भरे सफर में बुनने की बजाय किरदारों की आपसी बातचीत में ही खर्च कर देती है। कहानी के ट्रीटमेंट में रहस्यों को खोजने की बजाय पहले से कहे सुने नैरेटिव का सहारा लेने की जल्दीबाजी की गई है, और राम सेतु का सत्य खोजने निकला डॉक्टर आर्यन का किरदार अपने सफर में फैक्ट खोजने के नाम पर जो कुछ करता है ना, उससे ज्यादा दिलचस्प तो राम सेतु पर बनी न्यूज रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री में आपको महसूस होगा। हालांकि त्योहार का मौका है, फैमिली फिल्म है और कहानी में प्रभु श्री राम की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए परिवार के साथ थिएटर में टाइम बिताया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख ली है और नहीं देखी है तो देखने वाले हो या नहीं, और अगर देखने वाले हो तो क्यों देखने वाले हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।